श्रद्धेय आचार्य भाषण जी का भी दर्शन और मार्गदर्शन सब साधकों को मिलेगा, उनका भी आगमन होगा। श्रद्धेय गुरुदेव की विशेष साधना चल रही है, इसलिए उनका प्रत्यक्ष दर्शन आपको आज अभी नहीं हो पाएगा। मैं आज अपनी उस पावनी गुरु परंपरा का स्मरण करता हुआ, जब मैं करीब 15-16 वर्ष की उम्र में, पैरों को सामने खोल लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, 15-16 वर्ष की उम्र में जब घर से बाहर निकला तो सबसे पहले हरिद्वार ही आया था। मुझे तो पता भी नहीं था ये हरिद्वार कहाँ है, क्योंकि जिंदगी में कभी बस में बैठे ही नहीं थे। ट्रेन तो अभी तक भी जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ चलती ही नहीं है, और बस में भी पूछ लिया था अपने कुछ बड़े मित्रों से कि भाई ये बस कहाँ जाती है, इसका पता कैसे लगेगा। बोले बस के सामने एक पट्टी लगी रहती है, यहाँ से वहाँ तक जाती है ये बस, ऐसे अभी भी लगी रहती है शायद। तो हम तो पट्टी देख करके बस में बैठ गए। और बीच में वो बस वाले ने क्या किया कि वो बीच में चाय पानी के लिए रुकते, तो हमने सोचा हरिद्वार आ गए, हम तो बीच में उतर गए। हमें पता नहीं था ये बस वाले भी चाय पानी कुछ करते हैं, हमें तो मैं कई बार कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते बाबा आप यहाँ तक पहुँचे, अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंस अनुभव सुनाओ, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे रहा था मैं उधर बढ़ता गया, और बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता गया, जहाँ बैठा हूँ वहाँ पहुँच गया, जहाँ ले जाएगा वहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये कहाँ पहुँचना है, हमारी मंजिल क्या है, ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले का काम है। मैं जहाँ बैठा हूँ कोई आसन की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, जिंदगी के जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, सामाजिक आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े रूप में इस बात को मैं कह रहा हूं, भगवान जहां लेकर के आए वहां पहुंच गए, जहां लेकर के जाएंगे वहां जाएंगे, वो हमारे लिए मंगल ही होगा, शुभ ही होगा। वो संस्मरण बहुत है, लेकिन मैंने संकेत रूप में कुछ बातें कई बार कही हैं, आज उनको दोहराऊंगा नहीं। हरिद्वार आ गया, फिर यहाँ से आगे एक गुरुकुल में गया, यहाँ पूछा कि भाई यहाँ कोई गुरुकुल है क्या पढ़ाने के लिए, बोले यहाँ गुरुकुल तो नहीं है। तो फिर मैं लौट गया वापस, मैंने कहा भाई मुझे तो पढ़ना है ऋषियों की तरह पढ़ना है, जैसे ऋषि मुनि गुरुकुलों में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है। अब बच्चे थे उस समय तो ये था, मुझे भी ऋषि बनना है। तो जो है हमको यही नहीं पता था ये ऋषि मुनि रहते कहाँ हैं, हमने सुना था हरिद्वार में रहते होंगे, तो हरिद्वार आ गए, तो यहाँ मिले नहीं। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का एक गुरुकुल है भोला झाल ठीकरी, तो फिर पूछ पूछ के वहाँ पहुँच गए, कई दिन हो गए थे खाया भी नहीं था, तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा, उस समय हमारे थोड़ा सा मुंह के ऊपर जो है रोम दिखाई देने लगे थे, दाढ़ी तो मुझ तो नहीं आए थे, तो उसने कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो। मैंने कहा मैं तो अभी नौवीं में पढ़ते पढ़ते ही छोड़ के आया हूं। तो बोले हमारे यहां तो छठी से लेते हैं बेटा, तुम्हारी तो उम्र ज्यादा हो गई है। तो बोले कहां जाना चाहिए, तो बोले कालवा जाओ वहां पढ़ाएंगे, वहां आचार्य बलदेव जी रहते, वो बड़े बच्चों को पढ़ाते। मैं वहां गया, उन्होंने कहा बेटा उम्र कितनी है, मैंने कहा मेरी तो इतनी ही सी लगती है। तो बोले बेटा तुम्हारी उम्र तो अभी कम है, ज्यादा हो जाएगी तब आना। मैंने कही तो दोनों जगह ही अनफिट हो गए। बाद में मैं गया वहां पर, फिर दो या तीन साल के बाद फिर जो है गुरुजी ने पढ़ाया दोबारा, फिर मैं खानपुर गुरुकुल में आ गया श्रद्धे आचार्य प्रद्युम जी के पास। तो
खैर मैं इसको लंबा नहीं करूंगा. मैं पहले रात को सोते सोते उठ जाया करता था. माँ बताती थी, मुझे तो पता भी नहीं. सोते सोते उठ गया, शायद कुछ ज्यादा गति होगी. सोते सोते उठ गया, फिर माँ उठाकर फिर सुला देती थी. तो कुछ लोगों को स्वप्न में उठ जाते हैं ना, और फिर चल देते हैं, फिर उनको वापस सुलाना पड़ता है. तो और जो है ये कर्म का या जो भी प्रवाह होता होगा गति का. फिर गुरुकुल में आए, अब घर में तो जो है खाट में सोते थे, तो खाट तो बीच में से थोड़ी सी झुक जाती है ना, तो उसमें सेटिंग हो जाती. अब जब कभी ऐसे छत पे सोते थे तो चारों तरफ ऐसे घूम जाते थे, परिक्रमा कर लेते थे. तो गुरुकुल में आए तो तखत पे सुला दिया पहली बार. अब वो उसमें दाएं बाएं का बैलेंस रहता नहीं, तो नीचे पड़े. क्योंकि उसमें गिरने की बहुत संभावना रहती. तो खैर गुरुकुल खानपुर में आ गए. वहीं आचार्य श्री बल गुरुदेव प्रद्युम्न जी महाराज जी, जो गुरु जी महाराज अभी यहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अभी 100 से अधिक यहाँ पर वो व्याकरण से लेकर के शब्द शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको दे रहे हैं. वहीं आचार्य भाषण जी मिले थे, ये भी बहुत गति में रहते थे. और उसके बाद फिर श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य बलदेव जी महाराज के पास, और यहाँ से ये ज्ञान दीक्षा लेकर के फिर हिमालय में हम लोग चले गए. वहाँ गुफाएं, उनमें साधना करते रहे. आप में से जो गंगोत्री गए होंगे उन्होंने देखा होगा गंगा जी के प्रवाह को, जहाँ वो एक जगह ऐसी है गंगोत्री में जहाँ गंगा जी जाके सीधे एक चट्टान में टक्कर मारती है, उसके ऊपर एक गुफा थी. तो और कहीं जगह मिली नहीं, तो उसी गुफा में, उसमें कोई रहता नहीं था क्योंकि उसमें इतनी भयंकर टक्कर मारती थी. रात को ऐसे लगे कि जैसे आंधी तूफान भूचाल सब कुछ आ गया, भूकंप सब कुछ आ गया. तो उसी गुफा में हम लोग रात को सो गए, तो उसके बाद तो पता ही नहीं क्या प्रलय हो रही है या दुनिया बची है. तो उस गुफा में रहे. फिर एक पांडव गुफा की तरफ एक रास्ते में स्वामी भूमानंद जी थे, उनकी गुफा थी. तो उन्होंने छोड़ दी थी क्योंकि जंगल में पड़ती थी, और कई वहाँ दूर दूर तक पानी भी नहीं था कहीं. तो उसमें हम रहने लग गए. फिर गंगोत्री से फिर हरिद्वार आ गए. एक कई तरह के अनुभव रहे, वो सबको नहीं कह रहा हूँ. फिर यहाँ त्रिपुरा योग आश्रम में स्वामी अमरानंद जी महाराज, जो आज भी हमारे बहुत ही आत्मीय मित्र हैं, उनके आश्रम में एक टीन सेड में हम लोग रहने लग गए. मैं भी वहीं पर था, श्रद्धाचार्य भाषण जी भी, श्रद्धाचार्य कर्मवीर जी भी वहाँ पर थे. एक और बड़े स्मार्ट से ब्रह्मचारी थे, विजय ब्रह्मचारी. वहीं पर हमारे ये जो पहला ट्रस्ट बना है ना, दिव्य मंदिर ट्रस्ट के जो हमारे प्रथम ट्रस्टी भाई जीवराज पटेल, वो भी हमसे वहीं पर मिले थे. आज से 2 दशक पहले की बात है वो. फिर पूज्य गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी महाराज वहीं पर गए थे. वो हमें जबरदस्ती लेकर के आए, बोले नहीं आपको आना है. वो ढूंढ रहे थे कि जो है उनका आयुष्य काफी हो गया था, तो कि इस आश्रम को कोई संभाल ले. तो उन्होंने
हमारे नाम वसीयत लिख दी, हमको तो बाद में पता लगा, 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद पता लगा। तो जब हमको पता लगा, हमने कहा महाराज हमने तो व्रत लिया हुआ है कि 1 रुपये भी बैंक बैलेंस नहीं करना, खाता खुलवाना ही नहीं, और 1 इंच भी जमीन नहीं रखना। और ये मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ कि इसके लिए मुझे किसी ने कहा नहीं कि कभी बैंक बैलेंस नहीं रखना, कभी अपने पास पैसा नहीं रखना, या जैसे कुछ लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि पैसे को हाथ नहीं लगाना। मैं हाथ तो लगाता हूँ, मैं पैसे को अछूत नहीं मानता हूँ, मैं माया को अछूत नहीं मानता हूँ, मैं तो उसको लक्ष्मी का स्वरूप मानता हूँ, उसी से जगत चल रहा है। लेकिन अपने लिए क्यों अपने को संग्रह करना है, साधु बने तो। और जमीन, हमारे गुरुजी ने भी हमको नहीं कहा कि बेटा कभी 1 रुपये अपने पास नहीं रखना और जमीन अपने पास में नहीं रखना, लेकिन ऐसे ही अपने आप ही ऐसा एक संकल्प हो गया था। तो हमने कहा गुरुजी हमको तो ये जमीन तो रखनी नहीं है। तो फिर उस फिर वो ट्रस्ट बना, दिव्योग मंदिर ट्रस्ट। हमको तो पता भी नहीं था ये ट्रस्ट आदि के कानून क्या होते हैं, लेकिन फिर एक सामान्य रूप से कुछ बात बता रहा हूँ। फिर जो है दिव्योग मंदिर ट्रस्ट बन गया, वो करीब 1.25 एकड़ जमीन है। वहीं पर जो मेरे दाहिने और पूज्य श्रद्धेय ब्रह्मदेव स्वामी जी जो बैठे हैं, इनका भी दर्शन होता था। वैसे इनका दर्शन हमारे जीवन में उतना ही पुराना है जितना प्रथम गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी का। और आज सौभाग्य है कि हमारे साथ में उनका आशीर्वाद प्रभात में हमें मिला उठते ही। जब मैं गुरुकुल खानपुर में पढ़ा करता था, तब श्रद्धे पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज का आशीर्वाद, इनका उपदेश, मार्गदर्शन हमको वहीं पर मिला था। और अभी यहाँ संत कुटीर में उनका पावन सानिध्य हमें मिला हुआ है। और आज क्योंकि आचार्य बलदेव जी महाराज भी अभी हरियाणा में हैं, 26 तारीख को आएंगे, आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज ने एक विशेष अनुष्ठान के तहत जो है वो अपनी साधना शुरू की है, तो वो आज यहाँ मंच पर नहीं है। लेकिन मैं तो उन्हीं गुरुओं का, क्योंकि हमारे दोनों ही गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज और श्रद्धे गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी महाराज, और हमारे सन्यास दीक्षा जिन्होंने हमें प्रदान किया, सन्यास में दीक्षित किया, ऐसे दीक्षा गुरु श्रद्धे स्वामी शंकरदेव जी महाराज, तीनों ही गुरुजन इन का अत्यंत आत्मीय प्रेम स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जी के साथ, और वैसे भी देवी लगा हुआ है तो परंपरा हमारे गुरु, वो गुरु परंपरा का ही मुझे उनमें दर्शन होता है। और उनका आज पावन सानिध्य हमको मिला है, उनको भी हमारा एक बार पुनः बहुत बहुत वंदन है कि उन्होंने आकर के इस दर्शन दे करके हम सबका अनुग्रहित किया, कृतार्थ किया।